हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अतुल कुमार शर्मा में। संविदा शिक्षक से जुड़ी कोई नई जानकारी हो या पाठ्यक्रम में बदलाव हो, मैं अक्सर आपके पास नए नए वीडियो लाता रहता हूं। उसी के संदर्भ में आप जो क्वेश्चन पूछते हैं मेरे अलग अलग वीडियो पर जो कि सबसे रिलेटेड होते हैं, उन्हें भी मैं एक डायरी में लिख कर लाता हूँ जिसके मैं आंसर दे सकूँ। वो आंसर सबसे जुड़े होते हैं, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं लिख कर लाया हूँ जो कि सभी से रिलेटेड है और जो आपके संविदा शिक्षक एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, इनके बारे में मैं आज तथ्यों के आधार पर आपको जानकारी प्रस्तुत करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल को इतना लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमारा जो फैमिली है वो 10,000 लोगों की होने जा रही है और यह सब हुआ आपके कारण। तो दोस्तों, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि संविदा शिक्षक का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, संकेत जी ने पूछा है। संकेत जी ने पूछा है और अधिकतर बहुत से हमारे जो भाई बहन हैं वो यही पूछ रहे हैं कि अगस्त अब चूंकि लास्ट वीक में ही पहुंचने वाला है, तो संविदा शिक्षक एग्जाम अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, जबकि कहा यह गया था कि 15 अगस्त तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन साथ में ही मैंने आपको बीच में एक वीडियो और बनाकर दिया था जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री का जो बयान था, उन्होंने कहा था कि 62,000 वैकेंसी पर भर्ती होगी और उनका मैंने आपको बयान भी डाला था, यानी कि उस न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें ये बताया गया था। उसमें साफ लिखा हुआ था कि सितंबर में इसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी, यानी कि उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं कि सितंबर में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ये एग्जाम लेगा इसकी। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि सितंबर में आपका इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। अब सेकंड बात ये आएगी कि यदि सितंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी भी हुआ तो फिर इसके एग्जाम कैसे होंगे, क्योंकि फिर कम समय बचेगा और आचार संहिता लग जाएगी तो फिर इसके एग्जाम नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये राज्य सरकार का डिसीजन है और वो भी जानते हैं कि कम समय बचा है और इसके एग्जाम कैसे होंगे, तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा इसके बारे में। तो जरूर आपको ये एग्जाम देने को मिलेगा, ये जॉब आपको मिलेगी। आप यदि तैयारी जारी रखते हैं तो आपको 100% फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा है, तो इसका नोटिफिकेशन सितंबर में जारी होने की पूरी संभावना है। तो संकेत जी, और ये क्वेश्चन सबके मन में था, उनके लिए भी आंसर है कि आप बिल्कुल तैयारी जारी रखें, ये नोटिफिकेशन बहुत जल्दी ही आएगा। हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सर, आपने वर्ग 2-3 का सिलेबस और बुक्स बताई लेकिन वर्ग 1 का सिलेबस और बुक्स नहीं बताई है, इस पर वीडियो जरूर बनाए, पूजा जी ने लिखा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस जो भी मेरे वीडियो थे उनमें मैंने आपको वर्ग 2 या 3 उसके सिलेबस के बारे में भी बताया और उसकी जो बुक्स होती हैं उनके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। वो बुक्स आप कहाँ से ले सकते हैं ऑनलाइन, उसका भी मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कराई थी। मेरा एक पेज है फेसबुक, अतुल कुमार शर्मा 09, यानी आपको गूगल्स पे या फेसबुक पर जाकर टाइप करना है @AtulKumarSharma09, जिस पर उन बुक्स की लिंक डली हुई है। इन्हें आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और ये अमेजन जो है उसकी फैसिलिटी है। बहुत से फ्रेंड्स ने ये भी कहा मुझसे, जो वर्ग 2 या 3 का मैंने वीडियो डाला था, कि सर आप हमें वो बुक्स मंगा कर देखें दे दें। तो मेरा काम तक दोस्तों यहीं तक था कि आपको मैं बुक्स की लिंक दे दूं, उसके बाद थोड़ा सा काम आपको भी करना होगा कि आप वहां पर जाएं, ऑनलाइन आप खुद शॉपिंग कर सकते हैं, उन बुक्स को मंगा सकते हैं, इसमें आपको अतुल सर की आवश्यकता नहीं है। आप खुद मंगाएं और आपके पते पर पहुंचेंगी वो बुक्स, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं और जो मैंने बुक्स आपको बताई हैं उस पेज पर वो अपने आप में अनूठी हैं, बेस्ट बुक्स हैं, जिनसे कि आपको काफ़ी हद तक टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। तो जैसे इन्होंने पूजा जी ने पूछा है कि आपने वर्ग 1 के बारे में कुछ नहीं बताया है, ना सिलेबस ना बुक्स। बुक्स मैंने अपने पेज पर शेयर कर दी हैं वर्ग 1 की, और आप देखेंगे कि जो आप सब्जेक्ट वाइज हैं वो भी मैंने काफ़ी बुक्स शेयर की हैं। आपके जो सिलेबस के अनुसार बुक्स जो कॉमन होती हैं वो भी मैंने शेयर की हैं। इसके जो एग्जाम पेपर हैं वर्ग 1 के प्रीवियस, उसके हल सही जो बुक्स हैं वो भी मैंने शेयर की हैं, यानी कि जो बेस्ट बुक्स हैं वो ही मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस वर्ग 1 की।
मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आप देखेंगे कि ये 150 नंबर का आपका वर्ग एक का एग्जाम होगा, इसमें से आपके 100 नंबर का आएगा जो आप सब्जेक्ट लेंगे, यानी कि जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या एम ए एम एस सी या एम कॉम किया है, उसमें से आपको कोई भी जिस सब्जेक्ट में आपने किया है वो सब्जेक्ट लेना होगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपने एम ए हिंदी से किया है और आप ज्योग्राफी से जाकर फॉर्म फिल कर दें, नहीं, जिससे आपने पीजी किया है उसी सब्जेक्ट से आपको फॉर्म फिल करना होगा। इसके बाद उस वो जो आपने सब्जेक्ट लिया है वो 100 नंबर का आएगा, और जो 50 नंबर का मिक्स आएगा इसमें आपके व्याकरण भी आएगा, मैथ भी आएगा, थोड़ा बहुत जीके भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी, ऐसा कुल मिलाकर सब मिक्स आएगा इसमें। और आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसकी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो 100 नंबर का आएगा, लेकिन 50 नंबर को भी आप हल्के में ना लें। यदि 50 नंबर का भी आप जो मैंने बुक्स डाली हैं उसके अनुसार तैयारी करते हैं तो कवर हो ही जाएगा, उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है वर्ग एक का, और इसकी बुक्स मैंने डाली ही हुई हैं, तो कुल मिलाकर आप इन्हें मंगा सकते हैं। बहुत से भाई बहन, मैं इसमें जोड़ रहा हूँ ये चीज़ के, लगातार बोल रहे हैं कि सर आप बुक्स मंगा कर देंगे, तो दोस्तों मेरा काम यहीं तक था कि मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, वर्ग तीन का हो, दो का हो या एक का हो, बुक्स बता दी हैं, उसकी लिंक भी शेयर कर दी। अब इसके बाद थोड़ा सा मेहनत आप भी करें और उन लिंक पर क्लिक करें, वहाँ जाकर अपना पता और फ़ोन नंबर और डाल दें तो आपके पास वो बुक्स पहुँच जाती हैं। अमेजन कंपनी बेस्ट की, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, उसकी ये फैसिलिटी है, तो इसकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इससे ही लिंक आपको शेयर करके दी है। तो इतना काम आपको भी करना होगा, तो आप जाएं @AtulKumarSharma09 पर, और मेरा यह पेज है उस पर आप क्लिक करें तो 100% आपको लाभ मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सर संविदा शिक्षक एग्जाम नहीं हुए तो हमारी पढ़ाई करना बेकार चली जाएगी, राकेश जी ने कहा। राकेश जी ने कहा कि यदि संविदा शिक्षक एग्जाम नहीं हुए तो जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारी बेकार चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। ज्ञान या पढ़ाई कभी भी आपकी बेकार नहीं जाती है, हमेशा याद रखो। आपके लाइफ में एग्जाम हो ना हो, परीक्षा आप दे रहे हो ना दे रहे हो, लेकिन जो पढ़ाई या ज्ञान होता है वो कभी बेकार नहीं जाता है। मनुष्य मनुष्य इसलिए है क्योंकि उसके पास ज्ञान है, नहीं तो मनुष्य और जो पशु होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना है कि मनुष्य के पास ज्ञान है और पशुओं के पास वो ज्ञान का अभाव है, तो ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि, चलो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो बेकार जाएगी कि आपके काम आएगी, इसी टॉपिक को हम ले लेते हैं। दोस्तों एक गांव था, प्राचीन काल में एक राज्य था, उस राज्य में खेती बाड़ी, ये कृषि प्रधान राज्य था, यहाँ पर खेती मुख्य कर्म था सभी का, और खुशहाल एक राज्य था। वहाँ से एक साधु निकले जो कि ज्ञानी थे, और वो जैसे ही निकले तो राजा उनसे मिलने गया। राजा जैसे ही मिलने गया तो उन्होंने कहा कि हमारा जो समृद्धशाली राज्य है इसके बारे में भविष्यवाणी करें। तो उन्होंने कहा कि राजन अभी तो आपकी खेती किसानी का ये मेन इसका बिजनेस यही है, तो इसमें अगले 10 साल तक बारिश नहीं होनी है, यानी कि ये पूरा एरिया है वो बारिश से परेशान रहेगा, इसमें खेतियां नहीं होंगी उतनी ज़्यादा, पानी बरसेगा लेकिन कम बरसेगा, और ये राज्य को 10 साल तक ये झेलना पड़ेगा। हाँ 10 साल के बाद इसमें इतनी बारिश होगी कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशहाल राज्य होगा, इसके बाद पानी की कभी कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन जो आज से लेकर 10 साल है उसमें पानी नहीं बरसने वाला। एक चिंता का विषय था सभी राज्यवासियों के लिए कि हमारा अब गुजारा कैसे चलेगा। चूंकि राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान जैसा समझता था, तो उसने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आपको इतना पैसे दूंगा या धन दूंगा कि जिससे कि आप 10 साल तक आराम से अपना गुजारा चला सकें, और फिर 10 साल बाद जैसे ही बारिश होगी तो फिर हम खुशहाल हो जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही दोस्तों कि बारिश होना कम हो गई, पानी के जो स्रोत थे वो भी सूखना शुरू हो गए, जो उन्होंने कहा कि कृषि से हम पानी से कहीं ना कहीं से ले लेंगे, कुआं से या नहर से, तो वो भी जल स्तर घटने लगा जब पानी नहीं बरस रहा था। तो बहुत से लोगों ने क्या कहा कि अब खेती करने से कोई लाभ तो है नहीं, क्योंकि 10 साल तक तो पानी आना ही नहीं है। लेकिन एक किसान था जो हल लेकर अपने खेतों की तरफ चला,
उससे गांव वालों ने कहा कि ये कैसा मूर्ख है, जब कहा गया कि 10 साल तक पानी बरसना ही नहीं और आसार भी वैसे ही दिख रहे हैं और ये खेतों में हल चलाने जा रहा है। तो जब किसान हल चलाने गया तो बहुत से लोगों ने या राजा ने पूछा कि हम जब आपको ये व्यवस्था कर रहे हैं कि 10 साल आप बैठकर खा सकते हैं तो फिर क्यों आप हल चलाने जा रहे हैं। तो उसने कहा कि राजन, ये तो पता है कि 10 साल तक यहाँ पर पानी नहीं बरसना है, लेकिन यदि मैं 10 साल तक खेतों में हल ही न चलाऊं तो 10 साल बाद क्या मेरी वो क्षमता रहेगी कि मैं हल चला पाऊंगा, क्योंकि 10 साल तो मैं जो राजा दे रहा है उसका खाता रहूंगा और अपने काम में बिजी रहूंगा, सोता रहूंगा, तो क्या 10 साल बाद मेरी वो स्थिति रहेगी कि मैं हल चलाने लायक बचूंगा, खेती करने लायक बचूंगा, क्योंकि मेरी वो हैबिट्स, क्योंकि आपने जैसे देखा होगा खेती बहुत ही श्रम प्रधान कार्य है, यानी कि इसमें जितना परिश्रम लगता है शायद ही किसी और काम में लगता हो। सुबह से लेकर शाम तक बहुत परिश्रम करता है किसान, यदि वो परिश्रम वो छोड़ दे तो क्या 10 साल बाद उसमें इतनी क्षमता बचेगी जिससे कि वो खेती कर सके भले कितना पानी बरसे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप आज तैयारी जारी रखते हैं तो आपकी जो पढ़ने की क्षमता है, जो सीखने की क्षमता है, वो कायम रहती है दोस्तों, और यदि आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो वह धीरे धीरे वो क्षमता खत्म हो जाती है। तो ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है, और एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो ज्ञान तो आपका मेन मकसद है, यानी कि एक टीचर ऐसा होता है कि अगर आपकी जॉब लग भी गई तब भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ज्ञान और शिक्षक एक दूसरे के साझेदार होते हैं। तो ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता और शिक्षक का तो कभी बेकार जाता ही नहीं, क्योंकि शिक्षक जॉब ऐसी है कि जब लग गई तब भी आपको लाइफ टाइम सीखना है और सिखाना है। तो बिल्कुल आप तैयारी जारी रखें, ये ना सोचें कि यदि मान लो ये जॉब नहीं निकली तो हमने जो पढ़ाई की है वो तो बेकार चली गई, ऐसा नहीं है, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके बहुत से, और एक मैं भी बात जोड़ना चाहूँगा दोस्तों कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हाल ही में केंद्रीय विद्यालय में जॉब निकली उसकी भी मैंने आपको सूचना दी कि 27 अगस्त तक उसके फॉर्म फिल करें, तो आपने कमेंट्स किया कि सर आपने बताया तो हमने इसमें फॉर्म फिल कर दिया, तो 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। सम्मेलन शिक्षक की जो तैयारी कर रहा है उसमें आराम से स्कोर कर ले जाएगा, और आप देखोगे कि बहुत से लोग जो सम्मेलन शिक्षक में लगे हुए थे 2011 में, उनका केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ, उन्होंने वो जॉब छोड़ी और केंद्रीय विद्यालय की जॉब उन्होंने पकड़ ली, क्योंकि उसमें पे स्केल अच्छी थी, प्रमोशन जल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें संविदा की नीति चलती थी। अब तो खैर ये पद खत्म हो गए, संविदा नियमित शिक्षक की भर्ती हुई, तो इसमें भी आपके प्रमोशन अब जल्दी होंगे, तो इसमें पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन उसमें आप नियमित शिक्षक ही बनते थे तो उसमें लोगों को ज़्यादा लाभ मिला, इसलिए वो 2011 या 13 में जो सिलेक्शन हुए थे और उनका केंद्रीय विद्यालय में जैसा हुआ तो वो जॉब छोड़कर इसमें चले गए। तो यही जॉब है, आपको अभी मौका मिल रहा है, और बहुत से भाई बहनों ने इसकी बुक्स भी मंगा ली है जो कि मैंने अपने फेसबुक पेज पर डाली हैं और वो तैयारी में जुट गए हैं। तो ये होता है मौके पर चौका लगाना, जैसे कहते हैं कि मौके का लाभ उठाना, केंद्रीय विद्यालय निकली तो वहाँ पर उन्होंने ट्राई किया, और यदि आपको वो जॉब मिल गई संविदा शिक्षक से पहले तो फिर आपकी लग गई नौकरी, और ये भी जॉब टीचिंग का है, गवर्नमेंट टीचिंग का है, बहुत अच्छा है। दोस्तों आप वाकई में बहुत अच्छे हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स मिले हैं, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि इस चैनल से जो भी जुड़ा है वाकई में मेहनती है, बहुत समझदार है, और कहते हैं ना कि जब बारिश हुई उस टाइम पर फसल उगाओ तो ज़्यादा लाभ मिलता है, जब बारिश निकल गई उस टाइम पर यदि आप बीज बोगे तो क्या लाभ मिलेगा। तो आप सभी ऐसे ही हैं कि जब आपको मौका मिल रहा है इस साल तो आप पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो, आपको जो मैंने बुक्स बताई वो भी आपने सबने मंगा ली है, केंद्रीय विद्यालय का मैंने आपको बताया तो उसमें भी आपने फॉर्म फिल कर दी, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप 100% सजग हो, जागरूक हो, और ये चैनल का एक सौभाग्य होता है कि आप जैसे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर उसे मिलते हैं, क्योंकि आधा काम तो मेरा आपने ही कर दिया, आपको मैं जो भी सूचना देता हूँ आप उस पर बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, उसे मानते हो, और चाहे हम संविदा की तैयारी की बात करें चाहे केंद्रीय विद्यालय की, आप तैयारी बहुत अच्छे से करते हो। तो दोस्तों ये दिल से निकली एक बात थी कि मैं आपको थैंक्स बोलूं
कि मैं अपने आप को एक खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी सफलता ही इस चैनल का उद्देश्य है दोस्तों। आपको सफल बनाना ही इस चैनल का उद्देश्य है, और मैं तो आपको सफल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ सूचना ही दे सकता हूं, तो वो मैं आपको तक पहुंचाता रहूं। इस वीडियो से आपको लाभ मिला हो तो इसे लाइक कर दें। अभी तक जिन भाई बहनों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और कोई भी आपके क्वेश्चन हो, या आप हमेशा लिखते ही हैं, तो कमेंट बॉक्स में जो भी आपको अच्छा लगे वो जरूर लिखें। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।